जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा नवोदित कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नववर्ष के उपलक्ष्य पर शनिवार को भी शिमला के गेयटी थिएटर में बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक के शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में नववर्ष के उपलक्ष्य पर बहुभाषीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवोदित कवियों के साथ साथ वरिष्ठ कवियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित कवियों ने नए साल के आगमन के साथ ही भ्रष्टाचार और समाज के अन्य बुराइयों पर अपनी कविताओं के माध्यम से प्रहार करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक के शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के शर्मा ने बताया कि पहले कवियों साहित्यकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कवियों को दिए जाने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा रही है। कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, शायद उन्हें जो अधिमान दिया जाना चाहिए था, बिकॉज आप बड़े परिश्रमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप अपनी लेखनी से जो लेखनीबद्ध आप करते हैं उसमें जो भाव होता है उस भाव का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो। हमने मेरा ये प्रयास है रहेगा कि हम बड़े शीघ्र ही हम एक इन्वेंट्री बनाने जा रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो एनलिस्ट हो जाएंगे और वो भी हम ऑनलाइन करेंगे, उसको IT रिवर्ट करेंगे सो दैट, और उसके हम कैटेगराइजेशन कर देंगे कि उस जो हमारे कवि किस स्तर का कवि है, वो किस तरह के वो साहित्यकार हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, वो उससे एक जानकारी मिल जाएगी और हमें ये अच्छा लगेगा कि हम उनको भी हम वो हमारे भाषा संस्कृति विभाग के अभिन्न अंग हैं। इस मौके पर जिला भाषा अधिकारी त्रिलोक सूर्यवंशी ने कवि सम्मेलन की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कवि सम्मेलन नव वर्ष के उपलक्ष्य में है। इस कवि सम्मेलन में जिला भर से हमने लगभग 20 कवियों को आमंत्रित किया है। कवियों ने बहुत ही प्रेरणादायी कविताएं अपनी प्रस्तुत की। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला का हमेशा यह प्रयास रहता है कि नवोदित कवियों को, रंगकर्मियों को, चित्रकारों को मंच प्रदान करना। इसी कड़ी में आज ये कवि सम्मेलन है और हम भविष्य में भी इस प्रकार के और कई कार्यक्रम जो है करवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।